हेलो स्टूडेंट्स, सो आज हम पढ़ने वाले हैं डिवीजन एल्गोरिथम, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट एंड इजी टॉपिक भी है. सो क्विकली देख लेते हैं कि क्या होता है डिवीजन एल्गोरिथम एंड इसके क्वेश्चंस हम कैसे सॉल्व करते हैं. आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे डिफरेंट सम्स दिए हुए हैं. बेसिकली हमारे पास डिफरेंट एक्सप्रेशंस हैं. आप यहाँ पे देखोगे कि ये एक्सप्रेशन है x माइनस वन, जो कि हम डिवाइज़र बोलते हैं. जैसे अगर हम डिवाइड करते हैं तो जिससे डिवाइड करते हैं उसे डिवाइज़र बोलते हैं. जिसको जिस एक्सप्रेशन को डिवाइड करते हैं उसे हम डिविडेंड बोलते हैं. ओके, एंड जो हमारा नीचे बचता है उसे रिमाइंडर बोलते हैं. एंड ये होता है हमारा क्वोशेंट. अब होता ये है कि हमें ये निकालना होता है कि एक बड़ा सा पॉलिनोमियल दिया होता है, उसको एक छोटे उससे छोटे पॉलिनोमियल से हमें डिवाइड करना होता है. तो हम वो कैसे करते हैं वो हम सीखने वाले हैं. वो होता है बेसिकली डिवीजन एल्गोरिथम. जैसे हम सिंपली किसी न्यूमेरिक्स को भी, जो सिंपल नंबर्स होते हैं उनको भी हम डिवाइड करते हैं, सो तो भी सेम चीज़ यूज़ होती है. जैसे अगर मैं 7 को डिवाइड करना चाहूँ 2 से, तो मैं क्या करूँगी, मैं देखूँगी कि ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूँ मैं 2 में कि 7 के नियरेस्ट आ जाए. अगर 7 नहीं तो 7 के नियरेस्ट आ जाए, तो ऑफकोर्स 3 होता है एंड देन 6, और रिमाइंडर हमारा क्या बचता है 1. तो ये हो जाता है हमारा डिवाइज़र, ये होता है हमारा डिविडेंड, और ये होता है हमारा क्वेश्चन, एंड 1 होता है हमारा रिमाइंडर. नाउ लेट्स क्विकली सी कि ये वाले क्वेश्चन हमारे कैसे सॉल्व होते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये वाला क्वेश्चन आपको दिखा रही थी, जो हमने न्यूमेरिकल जो ऑलरेडी हम करते हैं नंबर से करते हैं. उसके बाद आता है ये जो आज हम सीखने वाले हैं. हमें क्या होता है, हमेशा छोटा पॉलिनोमियल मिला होता है. मतलब छोटे का मतलब क्या है, अगर यहाँ पे x स्क्वायर है तो x स्क्वायर से जो छोटी पावर है वो क्या है, x की पावर 1, तो उससे हमें करना होगा. तो अब हमें ये देखना है, मेन मोटिव हमारा ये होता है कि हम कोई ऐसा कोशेंट बनाएं, या ऐसा कोई हम कह सकते हैं कि x की ऐसी वैल्यू देखें कि ये जो x है वो x स्क्वायर के बराबर हो जाए. तो वो क्या होगा, मैं इसमें ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूँ कि एक्स स्क्वायर मिल जाए, ऑफकोर्स एक्स. अब ये तो हमने ढूंढ लिया कि एक्स मल्टीप्लाई करना है, पर करना हमें पूरे से पड़ेगा, दैट इज़ एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस वन. तो एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स, तो एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स मल्टीप्लाई बाय माइनस वन माइनस एक्स हो गया. तो हमने एज इट इज़ लिख दिया, ऊपर क्वेश्चन में हमारा एक्स आ गया. अब हम इसे जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कट हो जाएगा. माइनस फोर एक्स माइनस माइनस एक्स करेंगे, इसलिए प्लस का साइन लग गया. क्यों, एक और बार मैं रिपीट कर रही हूँ, माइनस फोर एक्स को हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस ऑफ माइनस एक्स. तो माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएंगे, प्लस, इसलिए ये न्यू साइन नीचे अपडेटेड होता है. माइनस फोर एक्स प्लस एक्स हम करेंगे तो माइनस थ्री एक्स आ जाएगा, ये 3 एज इट इज़ नीचे आ जाएगा. अब मैं x में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूँ कि माइनस थ्री एक्स आ जाए, तो ऑफकोर्स माइनस थ्री. अब मुझे माइनस थ्री एक्स और माइनस वन, मतलब जो कंप्लीट हमारा एक्सप्रेशन है दैट इज़ एक्स माइनस वन, उसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो वो क्या हो जाएगा, माइनस थ्री मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस थ्री एक्स, माइनस थ्री मल्टीप्लाई बाय माइनस वन प्लस थ्री. तो दोनों सिमिलर आए हैं, कट हो जाएंगे, हमारा रिमाइंडर क्या बचेगा, जीरो. दिस इज़ द ईजीएस्ट वे, बहुत ईजी इसका कंसेप्ट है, बट स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा ट्रिकी लग सकता है. काफ़ी क्वेश्चंस हैं जो मैंने यहाँ पे दे रखे हैं, मैं स्क्रीन पे थोड़ा टाइम होल्ड कर लेती हूँ जिससे कि आप प्रैक्टिस भी कर सको. बाकी और क्वेश्चंस भी मैं अभी एक क्वेश्चन और मैं आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ. चलो इसका एग्जाम्पल लेते हैं. यहाँ पे दिया हुआ है 4x³ प्लस 18x² प्लस 15x प्लस 28. अब हमें क्या करना है, x प्लस 4 से डिवाइड करना है. अब मैं x में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि 4x³ आ जाए. तो अब देखो 4x³ है, तो एक x तो है हमारे पास x में, हम क्या करें 4x² से मल्टीप्लाई कर दें. तो 4x² से मैंने मल्टीप्लाई किया, अब पूरे को ही करना पड़ेगा, 4x² मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 4. तो 4x² मल्टीप्लाई बाय x 4x³ प्लस
4x² × 4 16x² माइनस माइनस ये दोनों कट हो जाएंगे, 18x² − 16x² कितना हो जाएगा 2x², फिर 15x को एज इट इज़ लिख लो। हम दो दो करके चलते हैं, आप चाहो तो इसको भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है, मैंने दो को लिख रखा है। अब x में मैं ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूँ कि 2x² आ जाए? हमारा मेन एम रहता है कि हम एक एक टर्म को कट करते जाएं, इसलिए सिर्फ हम ये देखते हैं कि x में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें, क्योंकि x ही पावर रखता है इन सारे जो x वाली पावर्स वाले जो हमारे एलिमेंट्स उनको कट करने की। तो x में मैं ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि 2x² आ जाए? 2x, वो हमने यहाँ पे लिख लिया, प्लस का 2x। तो अगर हम 2x मल्टीप्लाई बाय जो हमारा पूरा एक्सप्रेशन है x प्लस 4 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2x × x 2x² 2x × 4 8x, ये इससे कट जाएगा। 15x − 8x कितना हो जाएगा 7x, और 28 को एज इट इज़ नीचे। अब x में मैं ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि 7x आ जाए? ऑफकोर्स बस 7। तो 7x हो जाएगा, अगर x में 7 मल्टीप्लाई करेंगे 7x, 4 में अगर 7 मल्टीप्लाई करेंगे 28, 7x − 7x 0, 28 − 28 0, तो इससे हमारा रिमाइंडर 0 आ गया। काफ़ी क्वेश्चंस हमारे ऐसे भी हो सकते हैं जिसमें रिमाइंडर हमारा हो सकता है 0 ना आए, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसमें हमारा रिमाइंडर 8x − 10 बच जा रहा है। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पे x² − 2 से करना था। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था कि इससे बड़े वाले पावर्स वाले पॉलिनोमियल्स को हम डिवाइड कर सकते हैं। अब x 8x − 10 तो इससे छोटा है, तो हम यहीं छोड़ देंगे और यही हमारा रिमाइंडर बच जाएगा। सो दिस इज़ हाउ हम डिविजन एल्गोरिदम के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। आई होप आपको समझ आ गया हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।